नमस्कार, खबर दुनिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। खबर दुनिया की यानी सभी प्रमुख वैश्विक खबरें आधे घंटे में आप तक। सबसे पहले नजर डालते हैं वैश्विक सुर्खियों पर। रूस ने फिर ठप की यूरोप की गैस आपूर्ति। मरम्मत का हवाला देते हुए नॉर्ड स्ट्रीम 1 गैस पाइपलाइन को 3 दिन के लिए किया बंद। कई देशों में भीषण ऊर्जा संकट बढ़ने की आशंका। यूरोपीय देशों को कीमत बढ़ाने के लिए रूस का बढ़ सकता है कटौती की सीमा। रूस ने आरोपों को किया सिरे से खारिज। ताइवान ने चीनी सशस्त्र बलों के अपने क्षेत्र में प्रवेश पर जवाबी कार्रवाई की जताई प्रतिबद्धता। कहा, चीनी ड्रोन के खतरे के आकलन के बाद कार्रवाई से नहीं चूकेगा ताइवान। रूस के पूर्व राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव के निधन पर वैश्विक नेताओं ने दी भावपूर्ण श्रद्धांजलि। यूएन प्रमुख ने गोर्बाचेव को बताया औरों से बेहतर। कहा, शांतिपूर्ण तरीके से शीत युद्ध का किया खात्मा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने गोर्बाचेव के दृष्टिकोण को बताया उल्लेखनीय। जापान के प्रधानमंत्री ने गोर्बाचेव द्वारा परमाणु निरस्त्रीकरण में ऐतिहासिक योगदान को किया याद। बारिश और बाढ़ से पाकिस्तान में हालात गंभीर। एक तिहाई से ज्यादा पाकिस्तान भीषण बाढ़ की चपेट में। कम से कम 1100 नागरिकों की मौत। एकजुटता का प्रदर्शन करने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस अगले हफ्ते करेंगे पाकिस्तान का दौरा। भारत का 2030 तक जीडीपी का 45% कार्बन उत्सर्जन घनत्व कम करने और गैर जीवाश्म स्रोतों से 50% ऊर्जा उत्पादन करने का लक्ष्य। बाली में G20 बैठक में पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता फिर दोहराई। और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और सबसे पहले खबरें यूरोपीय महाद्वीप से। गैस को युद्ध के हथियार के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप झेल रहे रूस ने एक बार फिर प्रमुख गैस पाइपलाइन नॉर्ड स्ट्रीम 1 से यूरोप की गैस की आपूर्ति पूरी तरह ठप कर दी है। रूस की सरकारी गैस कंपनी गैस्प्रोम ने मरम्मत का हवाला देते हुए कहा कि नॉर्ड स्ट्रीम 1 अगले 3 दिनों तक बंद रहेगी। रूस पहले से ही 20% कर दर पर गैस का प्रवाह कर रहा है। इसके बाद यूरोप के दर्जनों देशों के भीषण ऊर्जा संकट में फंसने की आशंका जताई जा रही है। और IAEA के प्रमुख राफेल ग्रॉसी के नेतृत्व में 14 सदस्यीय टीम यूक्रेन की राजधानी कीव के ज़ापोरिज्या न्यूक्लियर पावर प्लांट पहुंच चुका है और अब वे वहां पर सबसे बड़े यूरोप के परमाणु ऊर्जा संयंत्र की सुरक्षा की स्थिति और खतरों की आशंका का आकलन करेंगे। दोनों पक्षों की तरफ से हो रहे हमलों के कारण परमाणु ऊर्जा संयंत्र में विकिरण का रिसाव का खतरा मंडरा रहा है। इस बीच राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति ने IAEA के महानिदेशक से भेंट की और ज़ापोरिज्या परमाणु संयंत्र के बारे में विस्तार से चर्चा की। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी IAEA के निरीक्षकों का एक दल बुधवार को यूक्रेन के ज़ापोरिज्या पहुंचा, जहां से वो परमाणु ऊर्जा संयंत्र जाएगा जो इस समय रूस के कब्जे में है। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी के इस कदम से युद्ध क्षेत्र में मौजूद परमाणु ऊर्जा संयंत्र की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकने और परमाणु आपदा टाले जाने की उम्मीद बढ़ गई है। दोनों पक्ष व्यापक क्षेत्र में हफ्तों से एक दूसरे पर हमले का आरोप लगा रहे हैं। इन हमलों से वहां परमाणु विकिरण होने की आशंका बढ़ गई है। ग्रोसी ने कहा कि उन्हें रूस से स्पष्ट गारंटी मिली है कि 14 निरीक्षकों का दल वहां अपना काम कर सकेगा। IAEA प्रमुख ने कहा कि संयंत्र के निरीक्षण में कुछ दिन का समय लग सकता है। इस मिशन को अभी कुछ दिन और लगेंगे। यदि हम एक अस्थायी उपस्थिति स्थापित करने में सक्षम है तो बेहतर है। यह लंबे समय तक चलने वाला है, लेकिन यह पहले पड़ाव में अभी बस इतना ही कह सकते हैं कि यहाँ कुछ दिन और लगेंगे। इस बीच यूक्रेन के ऊर्जा मंत्री जर्मन लुगोशेंको ने कहा कि कीव इस क्षेत्र को सैनिकों के कब्जे से मुक्त कराने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहायता की मांग करता है। सबसे पहले जो वास्तव में बेहद महत्वपूर्ण है वह परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर वास्तविक स्थिति की जाँच करने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे पास वहाँ रूसी सैनिक है, भारी वाहन है। इसलिए हमें परमाणु सुरक्षा और सुरक्षा के दृष्टिकोण से यह जांचना होगा कि वास्तव में वहां क्या चल रहा है।
उधर यूक्रेन की स्थानीय प्रशासन ने बुधवार को कहा कि यूक्रेनी सैनिकों ने पिछले 24 घंटों में कई बार संयंत्र पर गोलीबारी की है। प्रशासन के अनुसार संयंत्र की प्रशासनिक इमारत पर ड्रोन से हमला किया गया और इससे वो क्षतिग्रस्त हो गई है। एक अन्य ड्रोन से संयंत्र के प्रशिक्षण केंद्र को भी निशाना बनाया गया। हमले में कोई हताहत नहीं हुआ और न ही विकिरण हो रहा है। इससे मिशन को किसी तरह का खतरा उत्पन्न होने की आशंका कम है। यूक्रेन ने मंगलवार को रूस पर संयंत्र तक जाने वाले मार्ग पर गोलीबारी करने का आरोप लगाया था ताकि उस तक पहुंचने का मार्ग बदला जाए और किसी को भी वहां तक पहुंचने के लिए रूस नियंत्रित इलाकों से होकर गुजरना पड़े। यूक्रेन के साथ युद्ध शुरू होने के शीघ्र बाद से ही रूसी सैन्य बलों ने ज़ापोरोजिया परमाणु संयंत्र पर कब्जा कर लिया था। यूरोपीय संघ की विदेश नीति के प्रमुख जोसेफ बोरेल ने एक बार फिर रूस से संयंत्र और आसपास अपने सैनिकों को पूरी तरह से हटाने का आग्रह किया है। दो ध्रुवीय विश्व व्यवस्था, अमेरिका सोवियत यूनियन की चिर प्रतिद्वंदिता, परमाणु हथियारों की अंधाधुंध धोड़, और ये सब खत्म हो गया ग्लासनोस्ट यानी खुलापन और पेरिस्ट्रोइका यानी पुनर्संरचना की दो नीतियों के साथ, और इसकी परिणति हुई सोवियत संघ के विघटन में। उन्हें पूरी दुनिया में सम्मान मिला लेकिन घरेलू मोर्चे पर भीषण आलोचना मिली। उन्हें विश्व शांति स्थापना में अतुलनीय योगदान के लिए नोबल शांति मिला लेकिन उस शख्स की सांसें हमेशा के लिए थम गई हैं। जी हां, रूस के पूर्व राष्ट्रपति मिखाइल सर्गेयेविच गोर्बाचेव नहीं रहे। वो सोवियत संघ जिसने हिटलर को धूल चटाया, अंतरिक्ष में पहला इंसान और उपग्रह भेजा, शीत युद्ध के दौरान अमेरिका से लोहा लेता रहा, द्विध्रुवीय विश्व के गुट का बरसों तक नेतृत्व करता रहा, उसी शक्तिशाली सोवियत संघ के बिखराव के मुख्य जिम्मेदार माने जाने वाले मिखाइल सर्गेयेविच गोर्बाचेव का 91 साल की उम्र में निधन हो गया। गोर्बाचेव सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्राध्यक्ष थे। हालांकि उनका कार्यकाल बेहद विवादों से घिरा रहा, एक तरफ तो शीत युद्ध को समाप्त करने के सेहरा उनके सिर बधा, तो वहीं दूसरी ओर सोवियत संघ के बिखरने का दाग भी उनके माथे पर लगा। सोवियत रूसी शब्द है जिसका अर्थ होता है असेंबली या परिषद। इसका गठन 1917 में हुआ। मिखाइल का जन्म 2 मार्च 1931 को रूस के एक गांव में हुआ था। उनके दादा और नाना दोनों ही ग्रेट पर्श के दौरान कैद कर लिए गए थे। ग्रेट पर्श के दौरान स्टालिन सत्ता में आने के लिए काफी क्रूर हो गए थे। इस दौरान कई लोगों को जेल भेज दिया गया था। मॉस्को में पढ़ाई के दौरान उन्हें कम्युनिस्ट पार्टी का एक छोटा लाल आई कार्ड मिला। 1960 के बाद गोर्बाचेव पार्टी में एक शक्तिशाली नेता बन गए थे। 1971 में गोर्बाचेव पार्टी की केंद्रीय कमेटी के सबसे युवा नेता थे। 1985 में गोर्बाचेव जो राष्ट्रपति बने तो 50 लाख की सैन्य क्षमता वाले सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था हांफ रही थी। राजनीतिक ढांचा ध्वस्त होने के कगार पर था। टॉयलेट पेपर से लेकर दूसरी छोटी छोटी चीजों की काफी किल्लत थी। गेहूं निर्यात करना पड़ता था। गोर्बाचेव ने राजनीतिक आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया शुरू की। दो नीतियां पेरिस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट लेकर आए। पेरिस्ट्रोइका का मतलब था कि लोगों को काम करने की आजादी और ग्लासनोस्ट का मतलब था राजनीतिक और अर्थव्यवस्था में खुलापन। मीडिया स्वतंत्र हुआ, आम लोगों से जुड़ी परेशानियां सामने आने लगी, बाजार पर सरकार का नियंत्रण कम होने लगा, चिप्स से लेकर ब्रेड तक छोटी छोटी चीजों के लिए सरकार पर निर्भर रहने वाले लोग अपनी चीजों को खरीदने और बेचने लगे। लेकिन अनुमान के मुताबिक उनकी आर्थिक नीति उतनी कारगर नहीं रही। खुले बाजार में चीजें महंगी हो गई। तेल की कीमतों में गिरावट ने भी अर्थव्यवस्था पर चोट की, जिसके कारण देश के अलग अलग हिस्सों में तनाव बढ़ने लगा। उसी दौरान वो दुनिया को परमाणु युद्ध से बचाने का प्रयास भी कर रहे थे। अमेरिका के साथ परमाणु हथियारों और मिसाइल की संख्या कम करने से जुड़े कई महत्वपूर्ण समझौते किए। इसके लिए 1990 में मिखाइल गोर्बाचेव को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सोवियत इतिहास में उन्हीं के राज में पहली बार लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हुए। बड़ी संख्या में गैर कम्युनिस्ट जनप्रतिनिधि चुने गए। भ्रष्टाचार चरम पर था। बेरोजगारी के कारण जनता में आक्रोश बढ़ता जा रहा था, लेकिन मिखाइल सिर्फ दिलासा दे रहे थे। गुस्से और विरोध की ये चिंगारी करीब करीब सभी राज्यों में फैल चुकी थी। सबसे पहले बाल्टिक देशों एस्टोनिया, लिथुआनिया और लातविया ने
आजादी की मांग उठाई। इसके बाद दूसरे देशों में विरोध प्रदर्शन बढ़ने लगा। धीरे धीरे सभी देश खुद को स्वतंत्र घोषित करने लगे। संघ से अलग हुए सभी राष्ट्रपतियों के साथ 21 दिसंबर 1991 को बैठक में एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए और इन देशों को औपचारिक रूप से स्वतंत्र घोषित कर दिया गया। 25 दिसंबर 1991 की शाम गोर्बाचेव राष्ट्रीय टीवी पर आए। क्रेमलिन से सोवियत संघ का झंडा उतार लिया गया। आखिरी बार सोवियत संघ के राष्ट्रगान की धुन बजाई गई और सोवियत संघ की जगह रूसी झंडा फहरा दिया गया। और अब खबरें एशिया महाद्वीप से। चीन ताइवान की तनातनी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ताइवान ने कहा कि अगर चीनी सेना ने उनके क्षेत्र में प्रवेश किया तो आत्मरक्षा और जवाबी हमले के अधिकार का वो प्रयोग करेगा और उसने ऐसा करना शुरू भी कर दिया है। ताइवान की सेना ने चीनी ड्रोन पर फायरिंग करके अपने कड़े इरादे साफ कर दिए। चीन ताइवान के बीच पिछले कई हफ्तों से जारी तनातनी के बीच ताइवान बार बार कह रहा है कि वो अपने देश की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा की हर संभव कोशिश करेगा। बुधवार को भी ताइवान ने अपनी नीति को आगे जारी रखते हुए चीन को हर मुमकिन जवाब देने की बात दोहराई है। ताइवान ने कहा कि अगर चीनी सेना ने उसके क्षेत्र में प्रवेश किया तो वो आत्मरक्षा और जवाबी हमले के अपने अधिकार का प्रयोग करेगा। बीजिंग ने लोकतांत्रिक द्वीप के आसपास पिछले कई हफ्तों से अपनी सैन्य गतिविधियों को बढ़ा दिया है। ताइवान के रक्षा अधिकारियों का कहना है कि चीन उनकी सीमा के आसपास आक्रामक सैन्य गश्ती को जारी रखे हुए है। बीजिंग का इरादा साफ है, मध्य रेखा का बार बार उल्लंघन कर ताइवान जलडमरू मध्य को अपना आंतरिक हिस्सा बनाया जा सके, जो क्षेत्र में अस्थिरता का मुख्य कारण है। यदि नई सैन्य सामान्य स्थिति सफलतापूर्वक स्थापित हो जाती है तो पीएलए ताइवान जलडमरू मध्य में नेविगेशन का एक नया नियम बनाने का प्रयास करेगा। इसके बाद पीएलए धीरे धीरे ताइवान जलडमरू मध्य के अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग को उच्च समुद्र से चीन के अंतरदेशीय समुद्र में नेविगेशन स्वतंत्रता के लिए बदल देगा। आत्मरक्षा की इस कड़ी में मंगलवार को ताइवान की सेना ने चीन के एक ड्रोन पर फायरिंग कर दी। ताइवान के नियंत्रण वाले किनमेन द्वीप पर जब चीनी ड्रोन ने दाखिल होने की कोशिश की तो उसे खदेड़ने के लिए गोलियां चलाई गईं। यह ड्रोन कौन सा था इस बारे में तो कोई जानकारी नहीं मिल सकी है, लेकिन कहा जा रहा है कि चीन ने अपने हाइपरसोनिक ड्रोन को ताइवान के द्वीप की तरफ भेजा था। चीन के पास वुजान 8 नाम से एक हाइपरसोनिक ड्रोन है और इसे चीन का एक रहस्यमय हथियार करार दिया जाता है। साल 2019 में चीन ने अपने इस ड्रोन को टेस्ट किया था। पहली बार जुहाई एयर शो में इस ड्रोन की झलक दुनिया ने देखी थी। जब चीनी मानव रहित ड्रोन हमारे हवाई क्षेत्र में प्रवेश करेंगे तो उनकी गतिविधियों पर बारीकी से नजर रखने के अलावा हम मानव रहित हवाई वाहन को ट्रैक करने के लिए वायु रक्षा मिसाइल अलर्ट भी बढ़ाएंगे। अगस्त के महीने में किनमैन डिफेंस कमांड ने 23 बार चीनी ड्रोन की घुसपैठ की बात की थी। कमांड की माने तो ये ड्रोन किनमैन काउंटी के ऊपर उड़ रहे थे। विशेषज्ञों ने भी कई बार चीन के ड्रोन प्रोग्राम पर चिंता जताई है। उधर क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच जापान ने क्रूज मिसाइल और उच्च वेग वाली बैलिस्टिक मिसाइल के विकास और बड़े पैमाने पर उत्पादन का फैसला किया है। चीन और रूस से खतरों के मद्देनजर जापान सैन्य विस्तार के हिस्से के रूप में अधिक दूर के लक्ष्यों पर हमला करने की क्षमता चाहता है। रक्षा खरीद योजना का जिक्र वार्षिक बजट में भी है। इसका साफ मतलब है कि संवैधानिक रूप से आत्मरक्षा बल पर दशकों से लगाई गई सीमा से हटने का संकेत है। रक्षा बल केवल कुछ सौ किलोमीटर की दूरी की मारक क्षमता वाली मिसाइल की तैनाती कर सकते हैं। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे के बाद चीन ने जापान से करीब 160 किलोमीटर कम दूरी पर 5 बैलिस्टिक मिसाइल दागकर अपनी क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं के बारे में अवगत करा दिया था। रक्षा मंत्रालय हाइपरसोनिक वारहेड विकसित जैसे दूसरे रक्षा उपकरणों को हासिल करने के लिए भी धन की मांग कर रहा है। और पाकिस्तान अपने इतिहास की सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा का सामना कर रहा है। पाकिस्तान का एक तिहाई से अधिक भूभाग बाढ़ और बारिश से जलमग्न हो गया है। करीब 1100 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। आर्थिक, राजनीतिक और अब
कुदरत की चुनौतियों से जूझ रहे पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से तत्काल मदद की गुहार लगाई है। करीब 1100 से अधिक नागरिकों की मौत हुई है, जिसमें बड़ी संख्या में बच्चे हैं। खैबर पख्तूनख्वा समेत सिंध और अनेक इलाके ऐसे हैं जहां पर बाढ़ और बारिश की वजह से हालात बेहद खराब हो गए हैं। ज़रूरी चीज़ों की आपूर्ति बाधित हुई है। जलवायु परिवर्तन के मोर्चे पर भारत ने अपनी प्रतिबद्धताओं को एक बार फिर दुनिया के सामने दोहराया है। इंडोनेशिया के बाली में G20 पर्यावरण और जलवायु मंत्री स्तरीय बैठक में भारत के पर्यावरण मंत्री ने जलवायु परिवर्तन संबंधी संयुक्त राष्ट्र के फ्रेमवर्क कन्वेंशन में इस बात को फिर दोहराया। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि भारत 2070 तक नेट जीरो के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है। जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में भारत लगातार सक्रिय भूमिका निभा रहा है। देश ने जलवायु परिवर्तन संबंधी संयुक्त राष्ट्र के फ्रेमवर्क कन्वेंशन के अंतर्गत पेरिस समझौते के तहत अपना नवीनीकृत निर्धारित योगदान औपचारिक रूप से पेश कर दिया है। भारत ने जोर देकर कहा है कि 2070 तक नेट जीरो के दूरगामी लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में यह एक कदम है। जलवायु परिवर्तन संबंधी संयुक्त राष्ट्र के फ्रेमवर्क कन्वेंशन में पेश अपने नवीनीकृत निर्धारित योगदान के साथ भेजे गए पत्र में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने लिखा है कि यह नवीनीकृत निर्धारित योगदान किसी क्षेत्र विशिष्ट शमन कार्रवाई या दायित्व के लिए बाध्य नहीं करता है। ध्यान रहे कि 3 अगस्त को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंचामृत को शामिल करते हुए नवीनीकृत निर्धारित योगदान या NDC को मंजूरी दी थी। इंडोनेशिया के बाली में G20 पर्यावरण और जलवायु मंत्री स्तरीय बैठक में जलवायु परिवर्तन की चुनौती का जिक्र करते हुए केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने कहा कि विकसित देशों से जलवायु वित्त की वर्तमान गति और पैमाने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वैश्विक आकांक्षा से मेल नहीं खा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था को और अधिक लचीला और टिकाऊ बनाने के लिए संसाधन जुटाने की तत्काल आवश्यकता है। भारत औद्योगिक क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। कार्बन को कम करने की दिशा में पंचामृत में उल्लिखित निम्न कार्बन विकास रणनीति और सतत विकास के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रतिबिंब है। हरित बुनियादी ढांचे के लिए अपने संसाधनों को जुटाने के लिए सावरेन ग्रीन बांड भी जारी किए जाएंगे। भारत ने प्रमुख परिवहन ईंधन सब्सिडी को समाप्त करके ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों पर सब्सिडी प्रदान करने और रियायती कर दरों जैसे बेहतर लक्ष्यीकरण के लिए सब्सिडी को कम और युक्तिसंगत बनाया है। स्पष्ट है कि भारत दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन के संकट से निपटने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। अब विकसित दुनिया को अपनी प्रतिज्ञाओं पर खरा उतरकर और स्वच्छ तकनीकी हस्तांतरण और जलवायु वित्त पोषण प्रतिबद्धताओं को सुनिश्चित करके इस दिशा में काम करने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और भाई आपको दिखाते हैं विश्व संस्कृति की एक झलक। होली रंगों से खेली जाती है, लेकिन होली अगर टमाटर से खेली जाए तो क्या होगा रंग, क्या होगा हाल? देखिए विश्व संस्कृति की इस अनोखी झलक। स्पेन एक ऐसा देश जो अपनी सुंदरता और अनूठी संस्कृति के लिए जाना जाता है। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन स्थलों में शुमार इस देश के लोगों का किसी भी उत्सव को मनाने का अंदाज भी निराला है। बुधवार को कुछ ऐसा ही नज़ारा स्पेन में देखने को मिला। स्पेन के सबसे प्रसिद्ध फूड फाइट फेस्टिवल ला टोमाटीना में, जिसे टमाटर की होली के नाम से भी जाना जाता है, इस स्थानीय त्यौहार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अलग पहचान मिली है। वालेंसिया शहर से 40 किलोमीटर दूर बुनोल में ला टोमाटीना का उत्सव मनाया गया। बुनोल शहर मुख्य रूप से अपने समृद्ध इतिहास और स्मारकों के लिए और टोमाटीना उत्सव की मेजबानी के लिए जाना जाता है। इस त्यौहार की शुरुआत 1945 में हुई थी। ये उत्सव एक ऐसा त्यौहार है जिसमें लोग एक दूसरे के ऊपर टमाटर फेंक कर दोस्ताना फाइट करते हैं। लोगों के बीच ये काफ़ी फ्रेंडली फाइट होती है। इस दौरान लोग तेज म्यूजिक पर डांस भी करते हैं।
इस बार का ये उत्सव वहाँ के निवासियों के लिए इसलिए भी खास था क्योंकि ये कोविड काल के 2 साल के लंबे अंतराल के बाद मनाया गया। हालांकि ये त्यौहार केवल 1 घंटे तक चलता है जिसमें करीब 20,000 से अधिक पर्यटकों और स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया। इस पूरे उत्सव के दौरान 130,000 टन पके टमाटरों को लाया गया जिसमें लोगों ने एक दूसरे पर टमाटर फेंक कर खुशियां जाहिर की। एक और पाकिस्तान में बाढ़ की वजह से टमाटर जैसी बुनियादी चीज की कीमत आसमान छू रही है, वहीं स्पेन में टमाटर से होली खेली जा रही। खबर दुनिया के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए DD News। नमस्कार।